पहले तो हमें नीचे की तरफ से जाना था, पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यार अभी बीच में एक जगह पड़ी है यहाँ, कनाली छीना। तो यहाँ एक सही लोकेशन मिल गई थी, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया और ये भैया यहाँ मिले, इन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर करेंगे हम कैंप। इन्होंने हमें अलाउ किया तो यहाँ कैंप करेंगे आज रात का। तो सामान वगैरह खोल रहे हैं, पीछे लोकेशन है, दिखाता हूँ आपको, बहुत सही लोकेशन है। खाना वाना आज यहीं बनाएंगे, टेंट लगाएंगे और आज का दिन बेसिकली यहीं बीतने वाला है, फिर कल सुबह देखेंगे। आज रात को हमारा साथ देंगे मेरे को लग रहा है। मिक्स कर दी भाई। तो ये बन गया हमारा कॉर्न सूप। बनने में इसको लगे 15 मिनट, क्योंकि हवा तेज चल रही है और ठंड भी है, तो पानी लेट गर्म हुआ है। सही बना है, अच्छा है। सूप पीते हैं, उसके बाद मैं लकड़ियां ले आया हूँ, आग लगाएंगे। यार ये पुलिस स्टेशन वाले बहुत सही लोग हैं यार, इन्होंने स्पेस दे दिया, मज़ा आ गया। स्पेस दे दिया, अनियन इन्होंने दिया है, टमाटो इन्होंने दिया है, लकड़ियाँ इन्होंने दी हैं, बल्कि और बोल रहे थे कि कुछ चाहिए हो तो दे दो। हमने कहा बस अब रुलाओगे क्या, ऐसा अपने दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो अभी तैयारी हो रही है राइस बनाने की, बर्तन रख दिया है, पानी डालेंगे। और निशांत भाई आज के शेफ हैं, बढ़िया बनाओगे। चलो वैसे भूख उतनी है नहीं आज हमें, है ना? तुझे नहीं है, मुझे तो है भाई। नहीं मुझे नहीं है, मुझे मैंने तो दिन में हैवी खा लिया था, फिर अभी सूप पिया उससे भी हो गया काम। ये निशांत भाई का टेंट है, वो मेरा है। लाइटर का काम हो गया, मैंगो फ्रूटी वाला तेल सरसों है। आई डोंट नो ये जलेगी या नहीं जलेगी, बट अभी उम्मीद तो जगी है। जला रहा है ये कैमरा उठा दी, पानी और डालना पड़ेगा क्योंकि ढक्कन पे है नहीं और बस डाल दो फिर। अंदाजा नहीं लग रहा ना उसमें पानी का। अब भी नहीं पकड़ी गई लकड़ी की जिंदगी पे थू। तो यार खाना वाना सब बन गया है और अभी टेंट के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ चुकी है। तो अब खाना खाएंगे, निशांत भाई ने ये बनाया है फ्राइड राइस, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अभी पता नहीं खाने में कैसे होंगे, तो मैं खा के बताता हूँ आपको। फिलहाल इसे खा लेते हैं और उसके बाद कुछ बचा तो ऐसा है नहीं, सो जाएंगे। तो एक बार गुड नाइट बोलने आपको फिर से आ जाऊँगा कैमरे के सामने, बाकी फिर सुबह मिलेंगे दोबारा आपसे। जगह बहुत अच्छी है, सुबह यहाँ के थोड़े से नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। एंड आई होप कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो पीछे जो टाइम लैप्स वगैरह थे और जो कंटेंट था वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया था वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी मैं फटाफट से खाना खाता हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ। तो जी खाना वगैरह सब हो गया है और बिस्तर भी लग गया है। अभी ये है मैट्रेस, ये है स्लीपिंग बैग, अभी इसके अंदर जाएंगे और मस्त सो जाएंगे। सुबह उठेंगे करीब 6-7 बजे उठने का प्लान है, क्योंकि 9 बजे हमने प्लान किया कि 9:30 यहाँ से निकल जाना है।
तो ठीक है फिर अभी सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुका हूँ। निशांत भाई भी ऑलरेडी उठ गए हैं, तो उन्होंने ही बल्कि मुझे उठाया। रात को नींद सही आई है, 1:30 बजे के आसपास खुल गई थी, फिर 2 बजे मैं दोबारा सो गया और उसके बाद अब उठ रहा हूँ। तो नींद तो बढ़िया आई है, लेकिन ठंड यहाँ पे बहुत है। तो एक बार बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारे हैं और टेंट की क्या हालत हुई है। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। तो ये टेंट है निशांत भाई का और ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमने कैंप किया है। बाहर निकलते हैं। रात को वो लकड़ियाँ जलाने की कोशिश तो की थी पर जला कुछ नहीं। और टेंट के अंदर ये हालत हो रखी है, सामान इस तरीके से फैला हुआ है। चलो फिर बाहर चलते हैं। तो ये कुछ हालत है हमारे टेंट की और ठंड का अंदाजा लगाओ आप। रात को जो ओस गिरी है वो बर्फ बन गई है, ये सब बर्फ है, ये सब आइस बन चुका है। यहाँ देखेगा आपको निशांत भाई का टेंट और इसके बढ़िया देखो है पूरे। ऐसी तो लोहागढ़ में भी नहीं बनी। ये देखो ये सब स्नो बन चुका है, इस समय रोड पे बाइक चलाने में कितना रिस्क है। और जगह देखो कितनी खूबसूरत है ये। तो अभी चाय बनाने की तैयारी है, लेकिन बर्तन हमारा है गंदा और इतनी ठंड में हिम्मत नहीं है कि बर्तन धो ले। तो फिलहाल इस बर्तन में पानी डालेंगे, तब उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद चाय बनाएंगे। तो यार सनराइज ऑलरेडी हो चुका है और थोड़ी बहुत देर में धूप जो है हमारे टेंट पे पड़ने लगी। उसके बाद टेंट एक बार सूख जाता है तो टेंट को पैक करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं 10 बजे के आसपास का। तो 2.5 घंटे हमारे पास हैं जो कि इनफ टाइम है। तो इस दौरान हम अपना सामान पैक कर लेते हैं, अभी चाय वाय बनाने का अरेंजमेंट करते हैं, एक बार चाय पी लेंगे तो उसके बाद फिर निकलने की यहाँ से सोचेंगे। और आज का हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ते में स्नो वगैरह मिलने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे। तो प्लान तो हमारा 10 बजे निकलने का है, लेकिन अगर हमारा काम टाइम पे हो गया तो हम पहले भी निकल सकते हैं। और ब्रेकफास्ट जो है वो रास्ते में करेंगे, सिर्फ यहाँ पे चाय पीनी है। तो चलो अभी पैकिंग कर लेते हैं। तो चाय का पानी गर्म हो चुका है और आज मिल्क टी की जगह हम लोग पी रहे हैं ग्रीन टी। डाल दूँ? हाँ डाल दो। भर दूँ पूरा? चीयर्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह की फर्स्ट टी हमारी रेडी हो चुकी है, ग्रीन टी पी रहे हैं अभी, क्योंकि मिल्क टी जो है वो तो रास्ते में मिल ही जाएगी। अभी जब ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे तो मिल्क टी पी लेंगे, फिलहाल ग्रीन टी से काम चला लेते हैं। और मेरे टेंट के अंदर ना एक वाटर बैग था जो कि लीक कर गया रात को और पानी उसमें से निकल गया काफ़ी सारा, और राइडिंग जैकेट वगैरह सब भीग गए हैं। तो मैंने यहाँ पीछे सुखाने के लिए ये रख रखे हैं, ये राइडिंग जैकेट है और ये कुछ बैग हैं, कैप है, ये सब भीग चुका है। तो ये सब सूखने के लिए मैंने यहाँ रख दिया है, सूख जाएगा, धूप अच्छी है। चलो फिर चीयर्स। टेस्ट तो मैं नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि आपको सबको पता है कि ग्रीन टी जहरी लगती है। तो हम लोग ने अभी चाय पी ली है, सामान सारा पैक हो चुका है और अब बज रहे 9:05। तो अभी यहाँ से सामान ले जाएंगे, बाहर हमारी बाइक्स खड़ी है, वहाँ ले जाके लोड करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा बाइक पे। अभी हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू सून। बाय।